प्राइवेट पार्ट्स डार्क क्यों होते हैं उसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूं। महाराष्ट्र में पिछले 39 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूं। आपके प्राइवेट पार्ट जो है वो डार्क क्यों रहते हैं इसके बारे में मैं आज बातचीत करूंगा। प्राइवेट पार्ट्स डार्क होना एकदम एब्सोल्युटली नॉर्मल है, उसमें कोई गलत नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है और उसके बारे में कोई चिंता करने की बात नहीं है। क्या होता है कि स्किन में मेलानोसाइट्स नाम के सेल होते हैं और जैसी जैसी उम्र बढ़ती है, मतलब बच्चे का पुरुष बनता है या एक लड़की की स्त्री बनती है, तो सेक्स हार्मोन्स का निर्माण बहुत ज़्यादा प्रमाण में होता है। जैसा महिलाओं में ईस्ट्रोजेन का सीक्रेशन ज़्यादा होना शुरू होता है, पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन का होता है, और ये जो हार्मोन्स है ये हार्मोन्स मेलेनोसाइट्स जो सेल है उसके ऊपर काम करते हैं और मेलेनिन का सिक्रीशन करते हैं, और मेलेनिन का सिक्रीशन होने से वहाँ की स्किन जो है वो डार्क हो जाती है। अब ये डार्क होने के और क्या कारण है? एक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब घर्षण। वो एरिया यदि दो पैर के बीच में ज़्यादा उसमें घर्षण हो रहा है तो वो डार्क होने के चांसेस बनते हैं। जैसे बहुत सारे बाइक्स चलाते हैं, बहुत समय तक बाइक्स चलाते हैं या बाइसिकल चलाते हैं, मोटर बाइक या बाइसिकल। फिर सेक्स ज़्यादा होता है तो घर्षण होता है तो उस समय भी हो सकता है। हेयर रिमूवल के लिए जो भी क्रीम लगाते हैं या शेविंग क्रीम्स लगाते हैं कि जिससे हेयर रिमूवल होता है, तो उससे भी केमिकल रिएक्शन होके, एलर्जिक रिएक्शन होके स्किन डार्क बन जाती है। वैसे टाइट क्लोज, जब इनर क्लोज जब टाइट पहनते हैं तो वहाँ की एरिया बहुत गीली हो जाती है पसीने से, और वहाँ फिर जब पसीना ज़्यादा होता है, मॉइस्चर ज़्यादा होता है, तो डार्क होने के चांसेस बनते हैं। यदि आपको स्किन एलर्जी है, स्किन एलर्जी है और वहाँ आप इचिंग है और वहाँ आप इचिंग करके मतलब वहाँ खुजा रहे हो तो वहाँ की एरिया फिर डार्क बन सकती है। वैसे डायबिटीज़ जिनको है उनको ये प्रॉब्लम दिखाया जाता है, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो लोगों को है, मतलब गुप्त रोग, उनमें भी ये दिखाया जाता है। ओबेसिटी जो मोटे लोग हैं उनमें भी ये ज़्यादा पार्क डार्क दिखाई देते हैं। नॉर्मल जो है वो है ग्रेजुअली, वो पार्क जो है वो ग्रेजुअली डार्क होना, मगर एकदम सडनली डार्क हो जाता है, एकदम अचानक डार्क होना शुरू हो जाता है, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टरों को बताना होगा क्योंकि फिर उसमें कुछ तो भी गड़बड़ी हो रही है, और आपको डॉक्टर को बता के उसमें देखना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ी है, क्यों ऐसा एकदम अचानक बहुत ज़्यादा डार्क हो रहा है। यदि आप अच्छी नींद लेते हैं, आपका डाइट बैलेंस है, तो डार्कनेस कम हो सकता है। वैसे हेयर रिमूवल जो आप अप्लाई करते हैं, हेयर रिमूवल या शेविंग क्रीम्स जो अप्लाई करते हैं और हेयर रिमूवल अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाई नहीं करना चाहिए। लेज़र ट्रीटमेंट देते हैं, मतलब लेज़र से यदि आप वहाँ के बाल निकालते हैं तो फिर चांसेस है कि वो डार्क नहीं होंगे। क्या होता है कि स्त्री में एक तो वजाइनल एरिया, लेबिया मतलब बाहरी हिस्सा जो है वो, और क्लाइटोरल एरिया, ये पूरे डार्क रहते हैं, और ये ज़्यादातर टाइट क्लोज, हेयर रिमूवल, एलर्जिक रिएक्शन यहाँ से होते हैं। फिर अभी इसको और एक प्रिकॉशन ले सकते हैं आप कि आप जब वर्कआउट्स करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ पसीना आता है और वहाँ पसीना और फ्रिक्शन होने से डार्क हो सकते हैं, तो आप जब जब एक्सरसाइज करते हैं तो इनर क्लोज बदलना चाहिए ताकि वो डार्क होना टल सकता है। वैसे आप यदि कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल थोड़ा सा हाथ के ऊपर लेकर हल्के से मसाज करते हैं तो उसमें फायदा दिखाई देगा। स्किन का ब्लीचिंग करना, वजाइनल ब्लीचिंग करना, उसमें फायदा हो सकता है, मगर वो ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं है। क्या होता है कि बहुत सारी महिलाएं पॉर्न वीडियोस देख के, और वो जो पॉर्न वीडियोस में जो लड़कियां देखती है उनका प्राइवेट पार्ट देख के उनको लगता है कि नहीं, मेरे ऐसे पार्ट होना चाहिए और ये डार्कनेस नहीं होना चाहिए, देखो मेरा ऐसा नहीं है, तो उसमें मत जाइएगा, वो सिनेमा है, पिक्चर है, वीडियो है, वो हकीकत नहीं है। वैसे आप यदि विटामिन सी का इस्तेमाल करते, जिंक और विटामिन सी, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। वजाइनल लाइटनिंग क्रीम्स मिलती है, वजाइनल लाइटनिंग क्रीम्स, वो यदि आप अप्लाई करते हैं वो एरिया में, तो हो सकता है कि डार्कनेस कम
कम हो जाएगा। तो फिर से एक बार बता रहा हूं कि डार्क होना ये नॉर्मल है। बच्चा जैसा जैसा पुरुष हो जाता है, बड़ा हो जाता है, हार्मोनल चेंजेस, लड़की स्त्री होती है, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और वहाँ से वो पार्ट डार्क होना शुरू होता है। फ्रिक्शन अवॉइड करना ये बहुत ज़रूरी है, पसीना नहीं आने को होना, स्नान करने के समय पार्ट धोते जाना, और कोई इन्फेक्शन वहाँ नहीं होने देना। यदि आप करते हैं तो पार्ट कम डार्क होगा, और आपका जो ये है कि कॉस्मेटिक अच्छा दिखना चाहिए, मतलब कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं वो दिखता ठीक नहीं है, इसलिए वो ब्लीचिंग करना जरूरी है, तो बारी आपके ऊपर नहीं आएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोस हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।